अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रेवाड़ी के मधु विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री पिपलेश्वर मंदिर में एक आयोजन में रेवाड़ी जिले के कार सेवकों को सम्मानित किया गया। मंदिर समिति के प्रधान कृष्ण बिडलान ने बताया कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2018 वार सोमवार को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और अपने घरों में धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई रखने व दीपावली के दौरान दिए जलाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पिपलेश्वर मंदिर समिति व मोहल्लेवासी मधु विहार घीसा नगर पार्ट 2 साधु सहा नगर घीसा की ढाणी के गणमान्य लोग शामिल हुए। वार्ड 5 के भावी पार्षद लोकेश यादव, कृष्ण मिडलान, अशोक मास्टर, सुनील गुप्ता, धर्मवीर ओम प्रकाश, अनिल कुमार, कुंदन लाल, सतवीर, नित्यानंद, रवि यादव, महेश शर्मा, श्रीराम, अशोक यादव, कृष्ण आहुजा, धर्मवीर आदि गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर पे हमने आज अक्षर वितरण करने का प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने जो 92 में कार सेवक हमारे अयोध्या गए थे तो उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम भी हमने रखा हुआ। तो उसमें से 10 कार सेवक हमारे यहाँ पहुँचे जो उनको हमने सम्मानित किया, मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया, बुजुर्गों को भी सम्मानित किया। आगे 22 जनवरी को हमारे यहाँ सुंदरकांड पाठ होगा, कीर्तन वगैरह होगा, दीपोत्सव किया जाएगा और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हमारा मोहल्ला बहुत ज़्यादा हमारे मंदिर को की मूर्ति स्थापना 22 जनवरी 2018 को हुई थी, उस दिन सोमवार था। हाँ, सब्जी वाले जैसा मॉल रखे हैं, घरों में भी दीपोत्सव किया जाएगा, सब में मंदिर में यहाँ भी अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा, 2,500 की जनसंख्या होगी हमारी। ठीक, खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।